ऐसा भारत जहां आम इंसान को भी वो सुविधाएं प्राप्त हों जिन पर कभी सिर्फ खास वर्ग का ही अधिकार था। ऐसा भारत जहां गरीब की भी बैंक तक पहुंच हो, मोबाइल उसके हाथ में हो, इंटरनेट के माध्यम से वो दुनिया से जुड़ा हो और डिजिटल पेमेंट में उसकी भागीदारी हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन का ये सपना बीते 7 सालों में साकार हुआ है। नया भारत अब इस मामले में लंबी छलांग भर दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, यहां तक कि चीन से भी आगे निकल गया है। SBI की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालिए। साल 2015 में भारत में प्रति 1 लाख वयस्कों पर 13.6 बैंक शाखाएं हुआ करती थी, जो 2020 में बढ़कर 14.7 हो गई हैं, और ये संख्या दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और चीन से भी ज्यादा है। मार्च 2010 तक ग्रामीण इलाकों में कुल 33,378 बैंक शाखाएं थी, जिनकी संख्या दिसंबर 2020 में बढ़कर 55,073 तक पहुंच गई। इसी तरह गांव में बैंकिंग आउटलेट बैंक मित्र की संख्या भी 34,174 से बढ़कर 12.4 लाख तक पहुंच गई। ये बैंक मित्र सप्ताह में कम से कम 5 दिन प्रतिदिन 4 घंटे बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराते हैं। इसी तरह डिजिटल भुगतान की बात करें तो 20 अक्टूबर 2021 तक नॉन फ्रिल बैंक खातों की संख्या बढ़कर 43.7 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें 1.46 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इन खातों में करीब 2/3 खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में ही हैं। 34 करोड़ यानी 78% से ज्यादा नॉन फ्रिल खाते सरकारी बैंकों में हैं, जबकि 18.2% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और सिर्फ 3% निजी बैंकों में है। इसी तरह 2015 में 1000 वयस्कों पर मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग लेन देन 183 हुआ करता था, जो कि 2020 में 74 गुना बढ़कर 13,615 हो गया। जन धन बैंक खातों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में सबसे बेहतर भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि जिन राज्यों में जन धन खातों की संख्या ज्यादा है, वहाँ अपराध और नशीले पदार्थों की खपत में भी कमी दर्ज की गई है। ये तो शुरुआत है। मोदी सरकार द्वारा किए गए वित्तीय सुधारों का असर गरीब के हाथ में भी अर्थव्यवस्था की पूरी ताकत देने वाला होगा।